आज की इस नए वीडियो में हम लोग करेन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो करेन क्या होता है, किन किन क्षेत्रों पर इसको अक्सर प्रयोग में लाए जाते हैं। करेन एक प्रकार एक मशीन है जिसका प्रयोग अधिक भारी सामानों को उठाने और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए क्रेन का उपयोग किया जाता है या क्रेन का सहारा लिया जाता है, उस प्रकार के उपकरण को क्रेन कहते हैं। तो आजकल की आधुनिक युग में क्रेन अधिकतर औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र में एक वर्कशॉप में बहुत सारा मशीन भी लगा हुआ रहता है और उस मशीन के माध्यम से प्रोडक्शन भी किया जाता है। तो प्रोडक्शन जो किया जाता है, जो भी प्रोडक्शन होती है उसको एक निश्चित जगह में रखा जाता है कलेक्ट करके, तो उसको उस क्षेत्र से एक दूसरा क्षेत्र में ले जाने के लिए क्रेन की आवश्यकता होता है। अगर उसको क्रेन के माध्यम से नहीं ले जाएंगे तो उसके लिए क्या क्या असुविधाएं होती है उसको भी हम लोग जानेंगे। क्रेन वर्कशॉप में क्या होता है कि ऊपरी क्षेत्र पर भी उसको हम लोग चला सकते हैं, रेल बैठाकर ऊपरी क्षेत्र में हम लोग क्या क्रेन को चला सकते हैं। उसमें यही फायदा होता है कि उस सामान को हम लोग एक निश्चित जगह में ले जाते हैं और एक दूसरे सामान को किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है, इधर उधर करने का भी आवश्यकता नहीं होता है। उसी जगह में क्रेन जाकर उसके रिमोट के माध्यम से, स्विच के माध्यम से उसको हम लोग हुक को नीचे लाते हैं, नीचे लाकर उसको हम लोग बांधते हैं। बांधने के बाद उसको हुकिंग के माध्यम से उसको लटकाकर स्विच को ऑन करके हम लोग आसानी से धीरे 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 कर एक दूसरी गंतव्य स्थान पर ले जाते हैं और वहां से फिर हम लोग ट्रांसपोर्टिंग का जो भी गाड़ी उड़ी आता है वहां से लोडिंग करके फिर उसको हम लोग बाहर बाहर क्षेत्र में ले जाते हैं। तो पहले के जमाने में क्या होता था, युग में क्या होता था कि उस समय आदमियों का आवश्यकता होता था, आदमियों के द्वारा उसको एक स्थान से दूसरे गंतव्य स्थान तक ले जाया जाता था। उसमें क्या होता है कि उसको ले जाने के लिए एक रास्ता भी चाहिए, उसको ले जाने के अगर नीचे जमीन से घसका कर ले जाएंगे तो एक जमीन में भी आपको रास्ता भी चाहिए, यानी जगह का भी उसमें शर्त पड़ जाता है। तो जो रास्ता रखेंगे उस जगह में दूसरा तीसरा मशीन भी वहां बैठा सकते हैं, बहुत तरह उस जगह में कार्य भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, क्रेन के माध्यम से ऊपर ऊपरी भाग में ही उसको हम लोग ले जाते हैं और एक निश्चित गंतव्य स्थान पर ले जाकर रखते हैं और उसको ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से उसको फिर दूसरा गाड़ी में लोडिंग करके या जो लाते हैं उसको भी हम लोग वहां ये करके अनलोड करके फिर दूसरा जगह में उसको या व्हाट्सएप में उसको रख लेते हैं। इस तरह से हम लोग क्रेन का प्रयोग करते हैं, जिससे कि अगर रोड रास्ते में भी हम लोग क्रेन का प्रयोग करके कोई कार गाड़ी जो गड्ढे में गिर जाता है, फंस जाता है, तो उसको क्रेन के माध्यम से क्या करते हैं, उसको उठाते हैं। तो आदि क्षेत्र में क्रेन का प्रयोग करके आदमियों का आसान होता है, सहूलियत होता है, तीसरे क्षेत्र में क्रेन का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लोग फिगर तरफ एक बार देखेंगे, फिगर क्रेन किस टाइप का होता है, कैसे चलाया जाता है,
ठीक है, तो गलत ध्यान दीजिए। ये देखिए फिगर है, फिगर में रिमोट आपका स्विच रहता है या रिमोट जिसको बोलते हैं हम लोग ऑन ऑफ करने के लिए, उसके द्वारा चलाते हैं ठीक है, आदमियों के द्वारा उसको ऑपरेटिंग किया जाता है और धीरे धीरे उसको जो बटरी में जो चक्कर लगा हुआ रहता है, पुली लगा हुआ रहता है, उसको धीरे धीरे क्या करते हैं हम लोग रिमोट के माध्यम से, मोटर के माध्यम से उसको आगे पीछे करते हैं। और क्रेन को आगे पीछे करने के लिए भी स्विच ऑन ऑफ रहता है, और उसका सीलिंग जो रहता है रोप का जो सीलिंग बना हुआ रहता है उसको भी ऊपर नीचे करने के लिए भी स्विच रहता है। इस स्विच के माध्यम से क्या ऑपरेटिंग करके क्या करते हैं हम लोग मशीन को दाएं बाएं कर सकते हैं, और हुक को यानी हुक जो रहता है उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। इस तरह से ऑपरेटिंग करके हम लोग क्रेन के द्वारा भारी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं। अब हम लोग पांचवा नंबर में इंडस्ट्रियल फोरक्लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे। यह चार पट्टियों वाला वाहन है जिसका प्रयोग वर्कशॉप में मटेरियल हैंडलिंग के लिए किया जाता है। इसके सबसे पीछे की साइड पर एक काउंटर बेट लगा होता है जिससे उठाए जाने वाला लोड को बैलेंस किया जा सकता है। इस प्रकार के उपकरण को इंडस्ट्रियल फोरक्लिफ्ट कहते हैं ठीक है। तो इंडस्ट्रियल फोरक्लिफ्ट जो है आगे भाग से किस मटेरियल को या कोई वस्तु को जो हम लोग उठाते हैं तो पीछे भाग को बैलेंस बनाए रखने के लिए भी क्या एक लोड रहता है, ताकि आगे वाला भाग जैसे उठेगा पीछे वाला भाग नहीं उठना चाहिए, यानी उसमें भी ऐसा सिस्टम बना हुआ रहता है कुछ उसमें लोड टाइप का रहता है ताकि आगे वाला भाग से जो भी सामान उठाएंगे पीछे वाला भाग नहीं उठेगा। इसमें चार पहिया वाला वाहन की भांति बना होता है, चार पहिया वाला वाहन की भांति बना होता है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आएंगे, आजकल हम लोग हर एक क्षेत्र में गांव घर में देखते हैं कोपलेन देखें तो देखिएगा एक साइड में एक लंबे बना होता है, एक साइड छोटा रहता है। उससे में क्या करते हैं कि उसको सीधे कई मिट्टी को या बालू को गिट्टी पत्थर जो भी रहता है उसको आराम से अपने स्तर से उसको खोद भी लेता है और उसको भर भी लेता है और दूसरे जगह में जाकर डाल देता है। मतलब उसको जो बना हुआ रहता है उस भाग में आराम से आप खुद कर लेता है। तो उसी टाइप का फोरक्लिफ्ट भी होता है, खुद अपने लोडिंग कर लेता है, कोई आदमी की आवश्यकता नहीं होता है, खुद अपना लोडिंग कर लेता है और लोडिंग करके दूसरे जगह में जाके रख देता है। उसी टाइप का फोरक्लिफ्ट भी है यार, यह अधिकतर इंडस्ट्रियल क्षेत्र में ही, औद्योगिक क्षेत्र में ही इसका प्रयोग किया जाता है ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि क्रेन का बात किया जाए तो क्रेन एक्स्ट्रा उसको जगह की आवश्यकता नहीं होता है, उसको ऊपरी भाग में उसको हम लोग ये करके चला सकते हैं रेल बैठाने के लिए बीच बीच में पिलार की आवश्यकता होता है, या पिलार देकर या आपका लोहे का पिलार बनाकर उसमें हम लोग क्या करते हैं रेल की पटरी बिछाते हैं, एक एक पटरी और दोनों साइड में एक पटरी बिछाएंगे, उसको चक्का या पुली लगाकर क्या करते हैं उसको लोग क्रेन को ले आते हैं उसको खाली एक ऑपरेटिंग के लिए एक आदमी चाहिए और उसको हुक में लगाने के लिए एक आदमी नीचे चाहिए, अगर ऊपरी भाग में अगर क्रेन ऑपरेटर बैठा हुआ रहेगा तो उसी तरह का फोरक्लिफ्ट में भी क्या होता है कि आराम से जो ड्राइविंग जैसे कि कोई कार वगैरह जो ड्राइविंग करते हैं उसी टाइप का एक ड्राइविंग ड्राइवर के द्वारा ड्राइविंग किया जाता है फोरक्लिफ्ट को, और खुद अपने से उसको सामान को उठा लेता है दूसरे जगह में जाकर रख देता है। यानी इससे भी
सामान को भारी लोड या भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से स्थानांतरित किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग फिगर की ओर एक बार ध्यान देंगे। ये देखिए फोर्कलिफ्ट है, इससे एक आदमी के द्वारा उसको ड्राइविंग किया जाता है। आगे भाग में सामान, किसी भारी सामान को उठाया जाता है और उसी से फिर उसको हम लोग गियर शिफ्ट करके फिर उसको ले जाते हैं, ले जाकर उसको दूसरे स्थान में रख देते हैं। लेकिन फोर्कलिफ्ट का क्या होता है कि उसमें बहुत सारा फोर्कलिफ्ट होता है कि उसमें कोई टायर ट्यूब सिस्टम नहीं रहता है, उसमें एक चक्का रहता है, उसी के ऊपर में टायर को उसको पीट दिया जाता है, मतलब उसको, और उसी भाग में वो चलता है, इस तरह का बना हुआ रहता है। इसको देख के आप समझ सकते हैं कि फोर्कलिफ्ट किसको बोलते हैं। धन्यवाद, पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय झारखंड।